दर्शकों चलेंगे एक बार फिर कोरोना अपडेट को लेकर। पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जो बुलेटिन जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि नए कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या 8000 से ज़्यादा को पार कर चुकी है। इसी परिदृश्य में जो मृतक हैं कोरोना से, उनकी संख्या 40 के आसपास बताई जा रही है। और चलेंगे बहुत बड़ी खबर की तरफ, जो कि राजधानी के मिंटो हॉल से आ रही है, जहां पर पूर्व विधायक पीसी शर्मा और जीतू पटवारी ने आज एक अनोखा विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में हो रही ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी को उजागर किया है। और वे बैठे थे धरने पर गांधी प्रतिमा के समक्ष, आज जबकि अंबेडकर जयंती भी मनाई जा रही है। टूट रही सांस ऑक्सीजन की आस, हॉस्पिटल में नहीं है बेड, रोज हो रही है डेथ, सड़क पर जले चिता, इंजेक्शन नहीं मिल रहा और सरकार कह रही है ऑल इज वेल। देखते हैं अहम खबर सिर्फ News 21 पर, बने रहिए हमारे साथ। राजस्व सर, लेकिन मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि कोई व्यवस्था है। यहीं पर धरना देकर सत्याग्रह करके लोगों का अवेयरनेस की बात होती, तब उनको काम करना था ऑक्सीजन की सप्लाई में पूर्ति, वो नहीं किया उन्होंने। आज मैं मेरे मुख्यमंत्री देश की महात्मा गांधी की स्टेचू पे आग्रह करता हूँ, सिलेंडर लेके बैठे हैं, ये कहना चाहते हैं सांसें लौटा दो हम आपके, मुख्यमंत्री जी ऑक्सीजन के माध्यम से मध्यप्रदेश के लोगों की सांसें लौटा दीजिए, हम आपके साथ जिंदा रहेंगे। और आज मर जाएंगे तो किसी भी अस्पताल में खून लगा दीजिए, वो कहते हैं कि ऑक्सीजन तो नहीं लगेगी, ऑक्सीजन लगेगी तो एडमिशन नहीं होगा, और इसलिए लोगों की जान जा रही है, ऑक्सीजन का इंतजाम करे मध्यप्रदेश सरकार। और मैं कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी ने बाबई में भूमि पूजन किया था 6 महीने पहले, अगर वो ऑक्सीजन प्लांट आ जाता तो आज मध्यप्रदेश में ऑक्सीजन कमी होती। इसलिए प्रधानमंत्री से ही मांग है कि मध्यप्रदेश में ऑक्सीजन की सप्लाई कराएं, रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई कराएं और बेड उपलब्ध कराएं ऑक्सीजन के, जिससे लोगों की जान बच जाए।